हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल कवर द टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सो लेट्स कवर द टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर और ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर कंट्रीब्यूटेड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू द मैनेजमेंट थॉट। ही यूज्ड द वर्ड ब्यूरोक्रेसी टू द स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर रेशनल लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और चैरिस्मेटिक अथॉरिटी। ओके, मैक्स वेबर मेन कंट्रीब्यूशन टू द मैनेजमेंट इज हिज थ्योरी ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर एंड His description of organizations based on the nature of authority relations within them. It was Weber's contention that there are three types of legitimate authority which can run as follow. So first of all, तो जो थ्योरी है वेबर की, वेबर की थ्योरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मेनली इस थ्योरी में हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की। ठीक है, डेवलप बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ये थ्योरी डेवलप की। इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्टेड एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। ठीक है, मैं किस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस टाइम वेबर ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने जो थोड़ा कंटेंट पढ़ा वो अबाउट है वेबर कि भी वेबर ने क्या किया। मैक्स वेबर कंट्रीब्यूट द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू द मैनेजमेंट थॉट। ठीक है, ही यूज द वर्ड ब्यूरोक्रेसी टू द स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मेनली अगर मैं आपको बताऊं तो हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे को फोकस किया है इस पे वेबर ने। उन्होंने बताया कि भाई जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से वहां का वर्किंग कल्चर होना चाहिए। ठीक है, तो और क्या क्या हाईलाइट पॉइंट्स है वो आगे हम कवर अप करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रेशनल लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, ट्रेडिशनल अथॉरिटी होनी चाहिए और चैरिस्मेटिक अथॉरिटी होनी चाहिए। रेशनल लीगल अथॉरिटी में हम बात कर रहे हैं ओबीडियंस इज ऑल टू लीगल एस्टेब्लिश पोजीशन और रैंक विद इन द हायरार्की। ठीक है, कि भाई क्या है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हायरार्की वाइज क्या है, लेवल पोजीशन कैटेगराइज है, रैंक अलग अलग क्या है, कैटेगराइज है, पहली चीज। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओबीडियंस इज ओ टू लीगल एस्टेब्लिश पोजीशन और रैंक विद इन द हायरार्की ऑफ अ बिजनेस। ओके, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में हम बात कर रहे हैं पीपल ओबे अ पर्सन बिकॉज ही बिलोंग्स टू सर्टेन क्लास और ऑक्यूपाई अ पोजीशन। कि भाई अगर कोई भी एक पोजीशन पे कोई बंदा प्लेस है तो हम उसको उसकी बातों को मान रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, वो एक हायर पोजीशन पे क्या है, प्लेस है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई हायरार्की है, टॉप लेवल है, लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। तो ऑब्वियस है भाई जो मिडिल लेवल है वो और जो लोअर लेवल है टॉप लेवल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो वही चीज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी में, पीपल ओबे अ पर्सन बिकॉज ही बिलोंग्स टू सर्टेन क्लास और ऑक्यूपाई अ पोजीशन ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज एज अ पोजिशनिंग अथॉरिटी सच ए क्लास। ओके, चैरिस्मेटिक अथॉरिटी में हम बात कर रहे हैं ओबीडियंस इज बेस्ड ऑन द फॉलोवर बिलीव्स दैट अ पर्सन हैज अ स्पेशल पावर और अपील। ठीक है, द पर्सन हु आर प्लेस ऑन द टॉप लेवल ही हैज अ स्पेशल काइंड ऑफ पावर एंड अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ दैट पावर एंड अथॉरिटी दे आर डीलिंग एंड कंट्रोलिंग टू द मिडल लेवल मैनेज लेवल क्लास और लोअर लेवल क्लास ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसमें, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर में, रेशनल लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और चैरिस्मेटिक अथॉरिटी, कि भाई अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर क्या हायरार्की है, हायरार्की वाइज क्या है, लोग प्लेस हैं अपनी अपनी रैंक अपनी अपनी पोजिशन से, और उसके हिसाब से क्या है वो एक दूसरे को रिपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि जो लोअर लेवल है वो मिडिल लेवल को रिपोर्ट कर रहा है और जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल को रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि एक पोजिशन एक हायरार्की वाइज क्या है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, एक जो हायरार्की वाइज जो पोजीशन चल रही है उसके हिसाब से, एंड लॉट ऑफ पेपर वर्क यू हैव टू डन एंड यू कैन सी इन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम बात करते हैं अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो आपने देखा होगा जैसे वैसे तो आजकल क्या है बहुत सारा डिजिटलाइजेशन चल रहा है, लेकिन अगर हम प्रायर टाइम की बात करें तो बहुत सारा पेपर वर्क हमें डन करना पड़ता था। ठीक है, वी हैव टू मेंटेन लॉट ऑफ द फाइल्स, डे टू डे वर्क वी हैव टू मैनेज ऑन द पेपर। तो ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, सेकंड यहाँ पे हम कह रहे हैं जो ब्यूरोक्रेसी है डेवलप बाय मैक्स वेबर ने डेवलप की, इट वाज डेवलप ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था तब ये इसको डेवलप किया गया। ठीक है, ऑफ टू ऑर्गेनाइज डायरेक्ट एंड एक्टिविटी ऑफ फॉर्म, यानी कि जो भी फर्म है उसकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया, डायरेक्ट किया और उनको मैनेज किया। तो जो हाईलाइट पॉइंट है वेबर थ्योरी के वो हम डिस्कस कर रहे हैं, हायरार्की। वेबर ने कहा कि भाई जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हायरार्की होगी, यानी कि क्या है लेवल्स होंगे चेन, जैसे हमने बात करी थी स्केलर चेन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हायरार्की की, कि भाई क्या है टॉप लेवल है, लो मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, हायरार्की है, हायरार्की वाइज लेवल के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहे हैं, टॉप टू मिडिल, मिडिल टू लो। ठीक है, इसी तरीके से रिपोर्टिंग मिडिल टू लोअर टू मिडिल, मिडिल टू टॉप, इस तरीके से रिपोर्टिंग चल रही है। तो यह क्या है एक हायरार्की है, हायरार्की वाइज क्या है पोजीशंस को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं किसमें, वेबर ने कहा था ब्यूरोक्रेसी थ्योरी में। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईच लोअर पोजीशन इज अंडर टू द कंट्रोल ऑफ हायर वन। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज हायरार्किकल इन द नेचर, इट इज लाइक अ पिरामिड इन विच क्वांटिटी ऑफ द अथॉरिटी इंक्रीज एज वन मूव्स ऑफ द लैडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम बात करते हैं लैडर की, ऊपर से नीचे नीचे तक फ्लो चलता है। ठीक है, या फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ बात करें, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो इस तरीके से क्या है लेवल के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हम एक स्टेप को स्विच करके दूसरे स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, नहीं, जो भी हायरार्की है उसके हिसाब से। सेकंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑफिस रूल्स, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। द पर्सन हु हैज ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द फर्स्ट डे ही हैज टू फॉलो द ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन पे आपको उसी हिसाब से काम करना है। अगर आप एक न्यू ज्वाइन है तो पहले ही दिन आपको फाइल दे दी जाएगी रूल्स एंड रेगुलेशन की, जहां आपको उसके हिसाब से अपने आप को रेडी करना है। ठीक है, तो वो ये क्या है नेक्स्ट एलिमेंट हाईलाइट पॉइंट है किसका, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑफिस रिकॉर्ड, यू हैव टू मेंटेन लॉट ऑफ पेपर वर्क, रजिस्टर्स, यू हैव टू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स। तो ये एक मेन पॉइंट है किसका, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का या मैक्स वेबर थ्योरी का। इम्पर्सनल रिलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इम्पर्सनल रिलेशन या इम्पर्सनल कंडक्ट। देर इज अ इम्पर्सनैलिटी ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, डिसीजंस आर एंटायरली गाइडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टोटली इम्पर्सनल। देर इज अ नो रूम ऑफ इमोशंस एंड सेंटिमेंट इन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे कोई भी इमोशनली हम किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जस्ट काइंड ऑफ सेंटीमेंट्स या फिर इस टाइप का कुछ बिहेवियर आउटकम की। ठीक है, अगर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको उसी हिसाब से काम करना है, जो प्रोसीजर आपको उसी हिसाब से काम करना है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, विच वी हैव अर्लियर डिस्कस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ हेनरी फ्योल। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एट द बोथ ऑफ द ऑपरेटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स।
दिस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं क्या, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। भाई आपको आपको क्या करना है, जिस जिस पे जिस काइंड के स्किल्स हैं आपको उसको उसी हिसाब से वर्क असाइन करना है। तो ये थे कुछ हाई पॉइंट्स, हाईलाइट पॉइंट्स किसके, मैक्स वेबर थ्योरी के, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट आज मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है किसका, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी का या ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के, कि भाई क्या ये इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और किस तरीके से यहाँ पे जो वर्किंग कल्चर एनवायरनमेंट है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये आज हमने कवर अप किया, नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की होती हैं, कैटेगराइज बाय हायरार्की, ऑफिस रूल्स एंड रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो विच आर मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, लॉट ऑफ यू हैव टू डन पेपर वर्क, यू हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड, डे टू डे रिकॉर्ड्स। ठीक है, इम्पर्सनल रिलेशन कंडक्ट इन द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो रूम ऑफ इमोशंस एंड सेंटीमेंट इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, और लास्ट वन है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एज वेल एज डिवीजन ऑफ वर्क, यू हैव टू डिवाइड द वर्क टू लीड द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं किसमें, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमने यहां पे कवर अप किया। नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि ब्यूरोक्रेसी के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और साथ के साथ हम कवर करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट और लिखे हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी इज प्रपोज बाय मैक्स वेबर, फोकस ऑन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेनली जो बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, कि भाई क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मॉनिटर कर रहे हैं किसको, टास्क को और लोगों को, तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। यू हैव डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोसेस एंड मॉनिटर टास्क एंड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन, डिजाइन अकम्प्लिश टास्क, ओके, यू हैव टू, बिकॉज यू हैव सच काइंड ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, फॉर द कम्प्लीशन ऑफ दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव यू हैव टू डिजाइन एंड यू हैव टू असाइन द टास्क टू द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट वन, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजिंग पीपल टास्क। ठीक है, एंड सिस्टमेटिकली यू हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल द पीपल ऑन द पर्टिकुलर पोजिशन एज वी कैन डिस्कस एज राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस एज वेल एज अ टास्क असाइन टू द पीपल। उनके स्किल्स के हिसाब से आपको उनको टास्क असाइन करना है। तो यही है डेफिनेशन किसकी, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिजाइन टू अकम्प्लिश टास्क सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज पीपल इन एंड टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।